सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सिरसा की अनाज मंडी में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दोपहर करीब 2:15 बजे लूट की वारदात हुई। दुकान नंबर 1 के चौबारे पर विनोद चांदपुरिया और उनके मुनिम को बंधक बनाकर 4 सशस्त्र युवकों ने करीब 13 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरे एक कार में सवार होकर आए थे और चारों युवकों ने चेहरा ढक रखा था। युवक चौबारे पर चढ़े और आरती और उसके मुनीम को बंधक बनाया और 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मंडी में हंगामा मच गया। पुलिस अधीक्षक अरुण नेहरा दल बल सहित मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। सीसीटीवी कैमरे में भी लुटेरे कैद हो गए हैं। पीड़ित आरती ने बताया कि रोजमर्रा की तरह अपना काम निपटा रहे थे, इसी बीच चेहरा ढके हुए युवक आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें बंधक बना लिया, अलमारी में रखे 13 लाख रुपए निकालकर फरार हुए। युवकों के पास धारदार हथियार, कापा और पिस्तौल भी थी। बाद में छत से ही बंधक आरती ने चाय वाले को पुकारा, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। कालावाली से चारण सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। भैया 4 आदमी आए थे, मैं इधर लेटा हुआ था बराबर में, मेरे लड़का बैठा हुआ था, 2 पिस्टल उनके पास, मेरे मुंह पे पिस्टल लगा दिए, उसके कपड़ा लगा दिया और टेप लगा दिए मुंह के ऊपर आंखों पे और फिर हाथ बांध दिए पीछे और अलमारी में कैश था उनका। कितना लगभग कैश था? कैश अंदाज 12-13 रुपये, 13 लाख के लगभग कैश। हाँ, 13 लाख। तो क्या इसमें उन्होंने किसी चोट चाट पहुंचाई? कितने आदमी थे, किस तरह से है, तो कुछ पता चला? 4 आदमी थे, उम्र मुश्किल से 22-23-25 साल की होगी चारों की। उनके पास कोई हथियार वगैरह थे? उनके पास 2 पिस्टल थे, 2 कापे थे, चारों हथियार बंद। थैंक यू। मुंह बांध रखा था उन्होंने, क्या था? पहले उन्होंने मुंह बांध दिया, फिर आंखें बांध दी, पट्टी बांध दी और फिर हाथ बांध दिया पीछे पीछे करके और यहाँ लेटा दिया हमको दोनों को। वो चारों आए थे, उन्होंने अपने मुंह पर साफे लगा रखे थे, साफे कपड़े बांधा हुआ। हाँ, कपड़े बांधे हुए। तो जब वो बाकी आपने देखा किस पे आए थे, क्या साधन थे उनके? नहीं नहीं, हमें तो आने का भी नहीं पता, जाने का भी नहीं पता। जब सुनसान हो गया तो बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा हुआ और ये खिड़की खोली साइड वाली, उससे मैंने चाय वाले को इशारा किया, हाथ से भी जैसे भी चाय मंगा रहे हूँ। हाँ जी, तो उन्होंने देखा भी हाथ, ये तो इनके तो पट्टी बंदी है मुंह के ऊपर, तो बाकी है ठीक। 4 लड़के आए, मुंह पे उन्होंने फटका बांधा हुआ था, आते उन्होंने मेरे कपड़ा लगा दिए, इनको पिस्टल लगा दी, उन्हें बोलने भी नहीं दिया और उन्होंने पीछे से हाथ बांध दिए, मुंह पट्टी बांध दी, आँखों पट्टियाँ बांध दी, बैंडेड पट्टी है जो बांधी हुई उन्होंने। उसके बाद मेरे चोट पेट लगी है, मेरे को चोटें मारी है, मेरे हाथ नहीं बांधा, मेरे चोट लगी हुई हाथ पे, हाथ पीछे मुड़ नहीं रहा था। क्या बोला उन्होंने आके? बोला कुछ नहीं, मेरे को बोल रहा था, बोलना नहीं है, शांत रहो, बोलना नहीं है बस। मैं तो फिर बोला भी नहीं, बोला कि चीख निकली तो भी मेरे को उन्होंने चोट पेट मारी है, मेरे को उन्होंने मेरे को नाड़ों के बीच में, पैरों के बीच में नाड़ दबा ली हाथ बांधने के लिए। मेरे काफ़ी टाइम मेरे साथ मार पीटी की है उन लोगों ने। एक लड़के का मुँह से साफा हट गया था, उसका मैंने चेहरा देखा थोड़ा सा, जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी यहाँ पे, जो कोई 27-28 साल की उम्र है उसकी करीब। तो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कितना कैश था, किस तरह से लेके गए? कैश करीब 13 लाख रुपए। कैश तो अलमारी में रखा हुआ, चाबी यहाँ थी, चाबी से उठा के कैश निकाल के लेके गए बैग के। 4 आदमी आए बता रहे हैं और उन्होंने मुंह पे डाठे बांध रखे थे। उसके बाद यहाँ करके पहले तो इनको मारा कुट्टी करी, हाथ बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी और नाक पे मुक्का मारे, वो खून आने लग गया। और उसके बाद जो है कह रहे हैं अभी लगभग 13 लाख रुपए करीब थे वो लूट के ले गए और एक साइड में कूलर था, दूसरे गेट पे ताला मार के चले गए। तो उनके पास कापे वगैरह, हथियार वगैरह कहते हैं 2 कापे थे और 2 पिस्टल वगैरह थी। ये करीब 1.5 घंटे पहले विनोद अग्रवाल हैं, इनकी 102 नंबर शॉप है मंडी में, इसमें 4 लड़के आए जिन्होंने मुंह ढक रखा था और लगभग ये 12-13 लाख के करीब अपना कैश बता रहे हैं वो लेके चले गए। चाबी इनकी भारी रखी थी, उस पर जो बेड है इनका उसी पर रखी थी और मुंह पे इनको टेप लगा दिया। चारों यंग लड़के हैं, यूथ हैं और काफ़ी हद तक हमें आइडिया भी लग गया, तो बहुत जल्दी से इसको क्रैक कर देंगे। तो सर इनका क्या काम है? ये आड़त का भी काम करते हैं
और पैसे का भी ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से। दो 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 काम है इनके। हाँ वो कर रहे हैं, हमारे साइंटिफिक टीम आई हुई है, वो सीसीटीवी को जो है मॉनिटर कर रही है, और हमने 3-4 टीम भेज भी दी ऑलरेडी। मैं भी पहले बाहर दूसरे एरिया में जितने भी डबवाड़ी रोड जितने भी उसको कवर करके फिर आया हूँ यहाँ मौके पे। हमारे सारे ऑफिसर्स इसी काम पे लगे हैं, बहुत जल्दी क्रैक कर देंगे, ऐसा कोई विषय। कितनी टीमें इकट्ठी की थी? 4 टीम हमने बाहर भेज दी और 3-4 ऑफिसर हमारे साथ हैं। तो एज अर्लीस्ट वारदात हुई है, 1.5 घंटे पहले हुई है, और लगभग 12-13 लाख के करीब ये लेके गए हैं। चाबी बाहर पड़ी थी इनकी, जो उन्होंने उठाई, उन्होंने ऑपरेट किया और वो लेके चले गए। गाड़ी नंबर? अभी तो एक गाड़ी है, पोलो है, जिसमें 4 लड़के थे। नंबर का तो ये नहीं बता रहे। तो वी आर ऑन द जॉब।